जय हिंद बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज की क्लास में हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनडीए एग्जाम को देखते हुए ये मॉडल पेपर है। इस पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन या तो पूछे गए हैं या तो आपको पूछे जाने के इस टाइप के चांसेस हैं। तो आपके लिए ये जो है वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रही है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। नो डाउट, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको एक तो पढ़ने में अच्छा लगेगा और दूसरा आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, साथ में साथ आपका कुछ शॉर्टकट भी आपको बताऊँगा। तो इस तरह से टाइम को देखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एस? आपको ये बताना है कि एस जो है, जो एस दिया हुआ है उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। बेटा याद रखना, जो कार्डिनल नंबर होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एलिमेंट इन सेट ए, मतलब सेट ए के अंदर जितने नंबर प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो ये पता करना कि एस के अंदर कार्डिनल नंबर कितना होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम निकालते हैं क्या है कि इसमें दिया एस की बात हो रही है। जैसे आप करोगे एस, तो अब लिखना शुरू करें, पहले टोटल लिख लो, इसके बाद में जो काटना होगा उसको कट करेंगे। तो पहला आएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये तो हो गया 1 का हो गया। फिर 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, ये 2 का हो गया। फिर 3 करते हैं, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 and 3/6 होगा। इसके बाद 4 का लिखते हैं, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6। 5 का लिखते हैं, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, ओके, एंड 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 and 6/6। अब क्या करना है, अब हम सेट के अंदर एक एलिमेंट को केवल एक बार दिखाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ तक तो सही है, ये 2/2 क्या होता, 1 हो जाता, 1 ऑलरेडी पहले है, 2/3 रहेगा, 2/4 ऑलरेडी 1/2 दिया है इसको हटा देंगे, 2/6 भी काट देंगे, आगे आ जाओ 3/3 ये भी कट जाएगा, 3/4, 3/6 भी कटेगा, आगे 4 रहेगा, 4/2, 2 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, साथ में 4/4 ये भी कटेगा एंड 2/3 भी कटेगा, आगे ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये भी कट जाएगा, 5/6 सेम रहेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा। अब इसको काउंट कर देखते हैं कितना आ रहा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, एक और होगा 23 होगा। तो इस तरह से इसका कार्डिनल नंबर आएगा, इसको काउंट करके देखना, 20 आपका 3 आएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर क्या आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है इसका आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, यस, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रिलेशन ऑफ फंक्शन का दिया हुआ है, रिलेशन का है। इसमें दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4xy + 3y² = 0 दिया है। आपको बताना है इसमें कौन सा रिलेशन होगा, यानी रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा, ये आपको पता करना है। तो इसके लिए क्या होगा, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है, रिफ्लेक्सिव के लिए x x लोगे। तो जैसे आप x x लोगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x² हो जाएगा प्लस का 3x² बेटा 0 आ गया,
इसका मतलब जीरो आने के साथ ही यहाँ जीरो दिया हुआ है और जीरो आ गया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हमारा है। यस, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे सिमेट्री की बात करते हैं। अगर एक्स वाई है, रिलेशन के अंदर एक्स वाई है, तो आपका वाई एक्स भी होना चाहिए, वाई एक्स भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखते हैं वाई आर एक्स जैसे करोगे आप क्या आएगा, वाई का स्क्वायर माइनस का फोर एक्स वाई प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर। बेटा ये जीरो कभी नहीं होगा, जब कभी जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ओके, तो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सेम एज ट्रांजिटिव की जैसे बात करोगे, ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो एक्स वाई है, एक्स वाई है और वाई जेड है, तो आपका रिलेशन के अंदर एक्स जेड होना चाहिए, एक्स आपका जेड होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। तो जैसे आप एक्स आर वाई लेते हो तो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस का थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो दिया हुआ, क्वेश्चन के अंदर जीरो दिया है। अच्छा, जैसे आप वाई आर एक्स करोगे, वाई आर जेड करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस का फोर वाई जेड प्लस का थ्री जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब हमें चाहिए क्या, एक्स आर जेड चाहिए, एक्स आर जेड चाहिए। तो जैसे आप करोगे तो इसको जब सॉल्व करते हैं, अगर मान लो सॉल्व करने का मतलब y को हटाना है, क्योंकि इसमें y कहाँ है, y तो है ही नहीं, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 से मल्टीप्लाई करके जब घटाओगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12 वाई जेड आ जाएगा और माइनस का 9 जेड स्क्वायर हो जाएगा। इससे कुछ मिला नहीं, ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। जैसे आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, इसका मतलब डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक एपी है जिसके एन टर्म का सम, टू एन टर्म का सम ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एक एपी है जिसके टू एन टर्म का जो सम है 3n प्लस 14n स्क्वायर दिया हुआ है। आपको बताना इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। मैं तरीका जो बता रहा हूँ उसे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या है कि एस टू एन इक्वल टू लिख लो आप 14n स्क्वायर प्लस का 3n लिख लो, लिख सकते हो कि नहीं, चेंज कर लिया। अच्छा, अब क्या करो, यहाँ s लिखो, sn लिखो। sn मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ n है उसके जगह n बाई टू कर दो आप, तो ये हो जाएगा 14 इंटू एन बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू एन बाई टू, इस तरह आप कर सकते हो। ओके, क्या आएगा 7n स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा प्लस का 3 बाई टू एन आ जाएगा, ये sn आ गया। अब बेटा, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है बाई कैलकुलस मेथड। बाई कैलकुलस मेथड में क्या करते हैं, एन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 7n n आ जाएगा प्लस, अब n के गुणांक में से ये माइनस करते हैं, यानी आप लिखोगे 3 बाई टू माइनस का 7 बाई टू करोगे। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है nth टर्म के अंदर जो n का जो कोफिशियंट होता है उसी को हम d बोलते हैं, यानी जो d होगा वो आपका 7 आ जाएगा, तो इसका c आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यस, ये देखो क्या है। कह रहा है कार ट्रेवल्स फर्स्ट 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 3v किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवलिंग नेक्स्ट 60 किलोमीटर एट 2v किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कार की आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता, हमारा लॉजिक क्या है कि अगर डिस्टेंस सेम है, मान लो आधे डिस्टेंस V1 से जा रहा है और आधे डिस्टेंस V2 से जा रहा है, तो हमेशा क्या होता है, इस एवरेज स्पीड जब निकालते हैं तो आपका HM बन जाता है। ओके, HM बन जाता है, और जब टाइम सेम होता है तो AM होता है। इस बात को याद रखना, जब आपको आधे टाइम में दिया जाए V1 से जा रहा है
और आधे टाइम में वी टू से जा रहा है, ऐसे केस में क्या करना है कि एवरेज स्पीड के लिए वी वन प्लस वी टू बाई टू कर देना है। बट अगर डिस्टेंस सेम है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस सेम है, तो एच एम निकाल लेते हैं। तो एच एम क्या होगा, वी हो जाएगा 2 अपॉन में 1 अपॉन में वी वन प्लस 1 अपॉन में वी टू हो जाएगा। तो 2 अपॉन में वी वन का मान क्या दिया है, 1 अपॉन में 3V हो जाएगा, और ये 1 अपॉन में 2V हो जाएगा। इसको बच्चा सॉल्व करो, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देख लो क्या होगा। यहाँ से करोगे आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 है यहाँ पर, यह 6V आ जाएगा, अपॉन में होगा 2 प्लस 3 हो जाएगा, 5 हो गया, 2.5 यानी 5। ये आंसर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया। यस, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एंडिंग एंड बिगिनिंग विद द कंसोनेंट विद कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स इक्वेशन। इस बार इक्वेशन का क्वेश्चन आया था, याद है, इस बार क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर इक्वेशन ना होकर क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन मतलब इस तरह से। तो इस तरह से आप समझ जाओ कि हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन 100% फिक्स है, 100% वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स होता है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आपका जो है इक्वेशन दिया हुआ है और एंडिंग और बिगिनिंग का पॉइंट आपको क्या लेना है, कंसोनेंट लेना है, और लेटर कितना है, 8 लेटर है। तो आप 8 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर कंसोनेंट लेना है और यहाँ भी कंसोनेंट लेना है, और कंसोनेंट आपके हैं क्या, क्यू है, टी है और एन है, यही 3 हमारे कंसोनेंट हैं, 3 कंसोनेंट हैं। तो यहाँ पर 3 तरह से भरोगे, ठीक है, और यहाँ पर 2 तरह से भरोगे, तो 2 हो जाएगा इनटू। अब बाकी जो बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे 6 लेटर को 6 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा, ये हो गया 6 हो गया, और यहाँ पर 720 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बेटा कर लो, कितना आएगा, 0 आएगा, 6 दुना 12 होगा, और 6 से 42 43 होगा, यानी 4320 आ रहा, कहीं दिख रहा है। यस, आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है ए टी पार्टी इज अरेंज फॉर 16 पीपल्स अलोंग 2 साइड ऑफ ए लॉन्ग टेबल विद 8 चेयर ऑन ईच साइड, 4 पर्टिकुलर मेन विशेष टू सीट ऑन द 1 पर्टिकुलर साइड एंड 2 पर्टिकुलर जो है मेंस ऑन द अदर साइड, द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड इज। कह रहा कि 2 रो है, एक साइड 8 चेयर लगी है, दूसरे साइड भी 8 चेयर लगी है, और कह रहा 4 विशेष पर्सन एक साइड में बैठ रहे हैं और 2 विशेष पर्सन जो है दूसरे साइड में बैठ रहे हैं, तो कितने टाइप से इनको आप अरेंज कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। हिंदी में देख लेते हैं। करा 16 लोगों की के लिए एक चाय पार्टी का प्रतिबंध किया जाता है जहां एक लंबी टेबल के दोनों तरफ 8-8 कुर्सियां लगाई जाती है, 4 विशिष्ट लोग एक विशेष तरह बैठना चाहते हैं और 2 खास व्यक्ति दूसरी तरफ बैठना चाहते हैं, तो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो बेटा एक इधर है, दूसरी साइड ये है, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चेयर है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 चेयर ये रहेंगे। ओके, अच्छा, तो करा कि 4 विशेष लोग इधर बैठे और 2 विशेष लोग यहाँ बैठ, इधर बैठना है, बस यही करना है। तो चेयर कितनी है, 8 है, 8 पोजीशन पे आपको 4 लोगों को अरेंज करना है। यस, समझ में आ रहा है, 8 चेयर हैं, 8 चेयर पर आपको 4 लोगों को अरेंज करना है। अच्छा, दूसरी साइड में क्या है, चेयर तो 8 ही है, आपको 2 लोगों को अरेंज करना है। ये तो हमने 6 लोगों को अरेंज कर दिया, कितने लोग हैं, चाय पीने वाले कितने हैं, 16 हैं, तो 6 लोगों को आपने अरेंज कर लिया, जो बाकी बच रहे हैं उनको 10 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज कर लेंगे। टोटल आपके 16 हैं, तो 6 लोगों को तो आपने पोजीशन दे दिया, बाकी जो 10 बच रहे हैं उनको 10 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज करोगे। बेटा इसको सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल सबको समझ में आता होगा, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका आ जाएगा सी आंसर आपका करेक्ट हो जाए। ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखना,
सॉल्व करके देखना आपका सी आंसर मैच करेगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ इंटीजर लाइंग बिटवीन 2999 दिया है एंड 8001 दिया है विच हैव एट लीस्ट टू डिजिट इक्वल्स देन एक्स इज इक्वल टू। कह रहा है कि 2999 और 8001 के बीच में वो कौन कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें कम से कम दो डिजिट रिपीट करनी चाहिए, कम से कम दो डिजिट रिपीट करनी चाहिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, आपको पता कि 2999 से 8001 जब नंबर की बात करोगे, इनके बीच की बात करोगे, तो 5001 नंबर आएगा। 5001 नंबर मतलब टोटल नंबर तो 5001 आएगा। और कह रहा कम से कम दो अंक समान होने चाहिए, तो इसके लिए निकाल लो कि सारे नंबर डिफरेंट डिफरेंट हों। तो सारे नंबर डिफरेंट हो जाएंगे तो क्या होगा, चार अंक की बनानी है, ये रहा चार अंक हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, 2000 और ये है, तो यहाँ पर मतलब तीन भर सकते हो, चार भर सकते हो, पाँच भर सकते हो, छः भर सकते हो और साथ ही यही नंबर आप भर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, आप पांच टाइप से अरेंज कर सकते हो। जब यहाँ की बात आएगी, एक नंबर आपने भर लिया, टोटल नंबर होते हैं 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, तो 10 होते हैं, तो ये 9 हो जाएगा। इसको 8 टाइप से भरोगे, इसको आप 7 टाइप से भरोगे, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 9 × 7 = 63, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा, 4 × 3 = 12 आएगा और 4 × 6 = 24 = 25 आएगा। बेटा क्या करना है, इसमें से घटा देना है, देखते हैं क्या आ रहा है, 24 और 20 घटा दो, लास्ट में एक आ गया, ये 8 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 × 4 आएगा, 25 है, 25, यहाँ 5 है, यहाँ बेटा 25 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा ना, तो ये 5 हो जाएगा, ये है, तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसा कोई दिख रहा है, यस बी आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी आंसर करेक्ट है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, यस ये रहा। यहाँ कह रहा द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 99 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा x-1, x-2, x-3 x-100 दिया है। कह रहा इसमें एक्स की पावर 99 का गुणांक बताना है। आप क्वाड्रेटिक पढ़े होगे, क्वाड्रेटिक होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो होता है। स्क्वायर है तो एक्स का गुणांक ये है। ऐसे ही सेम एज आपसे कहा जाए एक्स की पावर 99 का गुणांक क्या होगा, तो सेम फार्मूला लगाओगे, गुणांक इक्वल टू माइनस लगा दो, यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा, 1, 2, 3 आएगा, तो इनको ऐड कर लेना, 1 + 2 + 3 + ……, कितना 100। बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 101 अपॉन में 2 करोगे, सबको पता है ना नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, -50 50 होता है, तो ये हो जाएगा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज इक्वल टू। कराइस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर आपको स्वतंत्र पद बताना किस कैसे हो कितना होगा। ओके तो देखिए क्या है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट एक्स बन जाएगा, -2 / x² बनेगा, के पावर 10 हो जाएगा। ओके अच्छा एक शॉर्टकट है, आर इक्वल टू होता है np / p + q, सबको पता होगा np / p + q, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं जब कभी भी इंडिपेंडेंट टर्म यानी स्वतंत्र पद की बात करता है, तो आपका फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए, ए एक्स की पावर पी हो r / b x / q / n। तो यहाँ इंडिपेंडेंट टर्म के लिए फार्मूला लगाते हैं np / p + q करोगे, ठीक है, इस तरह करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, बट प्रॉपर रूप में करोगे तो बहुत लेंदी होगा। ओके तो यहाँ से सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। r बराबर होगा n का मान 10 है, p का मान 1/2 है, अपॉन में 1/2 + 2 क्या आएगा,
दो पंजे दस, पाँच हो जाएगा, पाँच कट जाए दो आ जाएगा, यस दो आएगा। तो ये तो आर का मान हुआ, इसमें एक जोड़ दोगे यानी इसका तीसरा पद जो होगा वो आपका स्वतंत्र पद देगा। तीसरा पद क्या होगा? इंडिपेंडेंट टर्म देगा। तो यहाँ पर क्या है, तीसरा पद निकाल लेते हैं तो टेन सी टू हो जाएगा इंटू, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ से माइनस टू मिलेगा, माइनस टू की पावर दो हो जाएगा। बेटा ये 45 होता है और ये 4 होगा, 45 दूना 90 दूना 140 हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा ए, आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको? ठीक है, शुरू से एंड तक वीडियो को देखना, बहुत मज़ा आएगा। अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपको, साथ में आपका कंसेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ और बहुत सारे शॉर्टकट भी आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए जो है वीडियो के अंत तक बने रहो और बिल्कुल आराम से पेन कॉपी लेकर लिखो इसे कि ये कैसे हो जा रहा है, आखिर यही क्वेश्चन हमने क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, ये सब आपको सोचना है कि यही क्वेश्चन हमने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन हमने आपको सेलेक्ट किया है। ओके, तो कह रहा ए बी दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। कह रहा ए और बी क्या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होता है? परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी मतलब इंटरसेक्शन जीरो, यानी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेटा ये जीरो होगा। अगर जहाँ कभी भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट दिया हुआ है, इसका मतलब है परस्पर अपवर्जी घटना जब कभी दिया हो तो आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन को जीरो कर देना है प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, अच्छा फार्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूरे का बार, ये लगा देंगे। अच्छा ये होगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है। अच्छा फार्मूला लगाओ, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन इंटरसेक्शन क्या है, जीरो है तो जीरो कर लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं वन बाई, ये है आपका वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर, यस वन बाई फोर कितना आएगा, सात बटे बारह आ रहा, पाँच बटे बारह कहीं दिख रहा है, यस यस ये आपको दिख रहा है कि डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस ये जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया है, करा कंसीडर फॉलोइंग डेटा फॉर द नेक्स्ट थ्री आइटम दैट फॉलो, करा नेक्स्ट तीन क्वेश्चन के लिए यही डेटा लेना है आपको। तो तीन क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसमें दिया द इंसिडेंट ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज एमोंग वर्कर इन द इंडस्ट्री है द चांस ऑफ 33 से 1/3% दिया है। करा कि इंडस्ट्री है जिसमें जो है बीमार होने के जो चांसेस हैं, चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी जो है 33 से 1/3% है। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ये क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे हम निकालेंगे तो क्या आएगा, पी इक्वल टू 99 100 अपॉन में 3 होगा, ये परसेंट हो रहा है तो 100 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये आपका पी का मान हो गया। अच्छा क्यू क्या होगा, एक में से घटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/3 करोगे आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये आ गया। ये तो हमारा क्वेश्चन का मीनिंग हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ द 6 वर्कर, करा 6 वर्कर में से 3 के एग्जैक्टली बीमार होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 6 यानी एन का मान तो 6 दे दिया बच्चा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, टोटल वर्कर आपके 6 हैं यानी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितनी बार करोगे, 6 बार करोगे। अच्छा उसमें 3 की बात कर रहा है तो एक्स बराबर 3 निकालोगे, ये सबको पता होगा, यहाँ फार्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, आर इक्वल टू होता है एन सी आर पी टू दी पावर आर इंटू क्यू टू दी पावर एन माइनस आर होता है, यही फार्मूला तीनों क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ओके तो यहाँ हो जाएगा 6C3 होगा, पी का मान क्या है, 1/3 है, 2^3 हो जाएगा और आगे 2/3 यहाँ भी 3 आएगा, इसी को सॉल्व करना है। तो जब जैसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 6 5 20 आएगा, 20 आएगा, यस 20 आएगा और 2 × 4 × 8 8 आएगा और 729 आएगा, यानी 160 अपॉन में 729, यस डी आंसर करेक्ट है, डी आंसर आपका इसका
करेक्ट हो जाएगा। ये तो पहला हुआ। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 जो इसी से लिंक क्वेश्चन है। आप देखे होंगे इस बार जो है आपका लिंक वाले क्वेश्चन, मतलब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार एनडीए एग्जाम में, जो 4 सितंबर का हुआ था। इसके पहले जो पेपर होता था ना, तो उसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 डायरेक्शन टाइप थे, मतलब कुल मिलाकर 12-14 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। बट इस बार बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लिंक वाले क्वेश्चन की दे रखा है, मतलब आप एक क्वेश्चन का आंसर जानते हो तभी आप सारे क्वेश्चन का आंसर पकड़ पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऐसे जैसे हमने पहला क्वेश्चन जैसे कर लिया ना, तो अब जो पहला क्वेश्चन कर लिए हो तभी दूसरा तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पहला तो हमें निकल गया। अगला करा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो वन ऑफ द 6 वर्कर सफर करा, 6 में से एक भी डिजीज से पीड़ित नहीं है, तो आपको x बराबर 0 निकालना है। तो क्या आएगा, 6 ही 0 होगा, p के पावर 0 होगा और q के पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, और ये 2/3 के पावर 6 हो जाएगा। ओके, तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 64 / 64 / 729 आएगा। कहीं दिख रहा है? यस, दिख रहा है, ये बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन लाया हूँ, इन सब क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। और याद रखो, हर साल इस पर क्वेश्चन आता है, बाइनोमियल जो है डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए हमने मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से लिया है। 3 क्वेश्चन आगे दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट लिस्ट 1 करा, 6 में से कम एक जो है वर्कर जो है इस बीमारी से पीड़ित है। इसके लिए करो क्या, कम से कम एक की बात कर रहा है, कम से कम एक मतलब है कि एक में से बेटा 0 वाला घटा दो, बस सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो एक में से, इसके पहले कितना आया था, कुछ समथिंग अपॉन में, यस यही था, ये था 5, लास्ट में 5 आएगा, कहीं दिख रहा है? यस, ये आपका बी आंसर करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। करा थीटा बराबर आपको दे रखा है, यस थीटा बराबर दिया, पाई बाई 8 दिया हुआ है, आपको इनका मान बताना है। बच्चा अगर यहाँ पर आप रखते हो कॉस 4 इंटू पाई बाई 8 रखोगे, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो ये 0 माइनस 1 होगा, उसकी पावर 10, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो इसकी बात तो यहीं ख़त्म हो गई, ये 1 हो जाएगा। बाकी को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना ये क्या लिख सकते हो। एक बार यहाँ पर प्लस के साथ, वहाँ पर माइनस के साथ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा, फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूले रख लेंगे, देख लेते हैं कि क्या आता है। तो आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा, ये इन दोनों के प्लेस पर आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा, उसकी पावर 10 अभी बाकी है, उसकी पावर 10 अभी बाकी है। अच्छा, यहाँ पर कॉस 2 थीटा दिया है, तो इसको भी 2 थीटा के फॉर्म में लिखो, तो 4 हो जाएगा, 4 इसका फार्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, और प्लस का 1 तो कितना आएगा ओवरऑल, ये कटेगा, यस कटेगा, 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा। ओके, अच्छा यहाँ माइनस होगा बेटा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर हमारा माइनस होगा, इस बात को करेक्शन कर लेना। ओके, और यहाँ माइनस 1 होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा और प्लस का 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये आया। अब देखो इन दोनों के प्लेस पर तो ये आया, इसके पावर 10 बचा हुआ है। अच्छा, बाकी एक बचा हुआ है, उसको लिख लेते हैं, कॉस 2 थीटा माइनस 1 की पावर 10, ये हो जाएगा। फिर फार्मूला बन गया, जैसे फार्मूला बनेगा फिर आपका आ जाएगा, इसको इरेज कर देता हूँ। अब क्या आएगा, 4 आएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब रखो थीटा का मान पाई बाई 8 रखोगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और कॉस पाई बाई 4 कितना, 1/√2 होता है, स्क्वायर बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/√2 होगा,
कि पावर 2 आएगा माइनस 1, इनके पावर भी आपको 10 लेना है। अच्छा 2 आएगा 2 माइनस 1, 1 आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी एनडीए का ही है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 25 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 36 सेक स्क्वायर, एक्स की मिनिमम वैल्यू बतानी है, लिस्ट वैल्यू बतानी है। अच्छा एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ये अगर है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू बेटा होती है, मिनिमम वैल्यू के लिए फार्मूला होता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है। इतना समझ में आया, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है। बस यही काम करना है, 25 का रूट लेना है और 36 का रूट लेना है, तो 25 का रूट 5 हो जाएगा और 36 का 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, 121 डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 है, करा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री का मान बताना है। बेटा इसका एक फार्मूला हमें पता है कि cos थीटा हो, cos 2 थीटा हो, cos 4 थीटा हो, cos 8 थीटा हो, इस तरह से डॉट डॉट n तक है, यानी cos ऑफ 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा। इसका फार्मूला होता है साइन होगा 2 टू दी पावर n थीटा अपॉन में 2 टू दी पावर n इंटू साइन थीटा होता है। ये फार्मूला ट्रिगोमेट्री के अंदर दिया हुआ है, तो इस फार्मूले को फॉलो करके इस क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं। तो 8 हो जाएगा इंटू साइन आएगा, साइन आएगा 2 टू दी पावर 3 होगा, क्योंकि टर्म्स कितना है, 1, 2, 3 टर्म्स हैं, इंटू 10 आएगा अपॉन में 2 टू दी पावर 3 आएगा और साइन आपका 10 आएगा। क्लियर है सबको, बताना यस या नो में, कमेंट करके ज़रूर बताना सर क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि नहीं था। ओके 8 से 8 कट जाएगा बेटा, ऊपर आ गया साइन 80 डिग्री आएगा और नीचे साइन 10 डिग्री आएगा, आएगा। अच्छा इसको लिख सकते हो कॉस 10 डिग्री लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं भाई, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है ये कॉट बन जाएगा, कॉट कहीं दिख रहा है, यस बेटा बी आंसर हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको फोकस करते हैं। अच्छा ये कह रहा है इफ़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल। बेटा रियल के लिए फार्मूला हम सभी पढ़े हुए हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये होता है। बस क्या करना है, रख देंगे b का मान 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 होगा, a का मान 1 है, c का मान k है, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या आता है, 4 माइनस 4k का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 4k का मान लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो k का मान लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। ऐसा कहीं दिख रहा है बेटा, यस डी आंसर हमारा करेक्ट है। क्लियर है सबको, चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर इसी बात पे। कमेंट करना भूलना मत क्वेश्चन कैसा था। अगला क्वेश्चन तो इसी बार आया है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया है, ठीक है इस बार आया था एनडीए एग्जाम में। करा एक मैट्रिक्स एक्स है जिसका ऑर्डर, एक मैट्रिक्स एक्स है जिसका ऑर्डर 3×3 है, क्यों हमें मल्टीप्लाई सिखाना है बस। वाई का जो ऑर्डर है 2×3 है और जेड का ऑर्डर जो है 3×2 है, ये दिया है। तो पहला वाई जेड निकालना है, जेड वाई है तो जेड का 3×2 है और वाई का क्या है 2×3 है। देखो बेटा मल्टीप्लाई करने का रूल होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की रो के बराबर होनी चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की रो के बराबर, तभी मल्टीप्लाई कर सकती हो, अदरवाइज कभी कर ही नहीं सकती, नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3×3 आएगा, ये 3×3 आया। अच्छा इसके साथ एक्स भी है,
तो 3 into 3 देखो, वाई जेड तो 3 into 3 आया, अच्छा, और एक्स भी 3 into 3 आ रहा है। बेटा मल्टीप्लाई करोगे 3 into 3 आएगा, ये 3 into 3 आएगा, और उसमें 9 एलिमेंट होंगे। इसका मतलब है बेटा ए आपका फर्स्ट तो करेक्ट है, फर्स्ट तो हमें क्लियर हो गया, फर्स्ट करेक्ट है। अच्छा आप सेकंड का चेक करते हैं, सेकंड क्या हो रहा है, ये तो फर्स्ट तो क्लियर है, करेक्ट है। अच्छा सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में देखो क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, एक्स जेड दिया है। तो एक्स का जो है आपका ऑर्डर 3 into 3 है, और जेड का ऑर्डर क्या है, 3 into 2 है। बेटा जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होगा और 3 into 3 का ऑर्डर आएगा, 3 into 2 का ऑर्डर आएगा, सॉरी 3 into 2 का ऑर्डर आएगा। और y के साथ मल्टीप्लाई करना है तो y क्या है, 2 into 3 है, और इसका क्या है, 3 into 2 है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 into 2 का ऑर्डर आएगा, और इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे, ये भी सही है। यानी पहला दूसरा तो काम हो गया, पहला फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड को चेक करते हैं, थर्ड क्या कह रहा है कि ये नॉट डिफाइन है। अच्छा पहले वाई जेड निकालो, वाई का ऑर्डर क्या है, 2 into 3 है। अच्छा जेड का ऑर्डर क्या है, 3 into 2 है, ऑर्डर क्या आएगा, 2 into 2 का आएगा, ये तो ऑर्डर आएगा 2 into 2 का ऑर्डर आएगा। अच्छा फिर एक्स के साथ मल्टीप्लाई, एक्स तो बेटा हमारा 3 into 3 है, और ये आया 2 into 2। हमने क्या बताया, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की रो के बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं, नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन ही दिया है। यानी तीनों सही है, तीनों सही है। इसका मतलब जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन जो टिक करोगे, डी आंसर टिक कर दोगे, आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों करेक्ट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस ये कह रहा है द वेरियंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 If each observation is multiplied by 3, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यू वेरियंस क्या होगा। बेटा इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 into 5, 9 × 5 = 45 आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा टू द टू रिग्रेशन लाइंस बिटवीन हाइट एंड वेट। हाइट और वेट में दिया, हाइट को एक्स रिप्रेजेंट किया गया है और वेट को आपको वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके और ये दिया हुआ है तो आपको बताना कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जानते हो क्या होता है, आर इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है, ये आपको निकालना हो। बट एक बात को एक बात याद रखना, R, BXY और BYX तीनों के सेम साइन होने चाहिए, तीनों का साइन सेम होना चाहिए। अगर B का मान प्लस आता है, BXY का मान प्लस आता है और BYX का मान भी प्लस आता है तो R का मान प्लस लिखोगे, यहाँ प्लस माइनस का होता है। ओके अगर BXY का मान नेगेटिव आता है और BYX का मान भी नेगेटिव आता है तो R का मान भी आप नेगेटिव लोगे, ये बात याद रखना। बहुत बच्चे यही, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, रूट निकालते हैं, जो आता है वही आंसर देकर चले आते हैं। बट आपको ये चीज़ काम नहीं करना है, ये देखना है इनके साइन कैसा है। अगर साइन आपके दोनों के प्लस प्लस हैं तो R हमारा प्लस में आएगा, अगर दोनों के माइनस साइन है तो R भी हमारा माइनस आएगा। चलिए देखते हैं क्या है, यहाँ से आप वाई निकालो तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 15/4 होगा, एक्स होगा माइनस 410/4 होगा। बेटा इसको बोलते हैं बी रिग्रेशन कोफिशियंट, बी वाई एक्स बोलते हैं, जो कि 15/4 है, जो कि 15/4 है, जो कि प्लस में है। ओके अच्छा यहाँ से आप एक्स निकालो तो एक्स बराबर हो जाएगा 2/30 होगा, वाई होगा प्लस का 825/30 हो जाएगा। बेटा इसको बोलते हैं बी एक्स वाई बोलेंगे, तो ये मान आपका 2/30 दिया है, यानी 1/15 दे दिया, यानी बी एक्स वाई का मान, बी वाई एक्स का मान 15/4 है और बी एक्स वाई का मान 1/15 है। तो फार्मूला जो बताया था यहाँ रख देते हैं, देखो दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस आएगा, अंडर रूट के अंदर 15/4 into 1/15 क्या आएगा, 15 से 15 गया
एक बटे चार का रूट एक बटे दो आएगा, यानी प्लस में एक बटे दो आएगा, यानी बी आंसर हमारा करेक्ट हो रहा है। ओके बच्चों, चलिए समझ में आ गया होगा, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यस, ये रहा, ये कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन दिया है, कह रहा है किस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस है या डिफरेंट, कॉन्टीन्यूअस की बात किया हुआ है। तो बेटा कॉन्टीन्यूअस का मेन क्या होता है, आप ग्राफ बनाना सीखो। अगर आप ग्राफ बना लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा पॉइंट, हमारा जो ग्राफ है वो कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो इसके लिए बेटा क्या दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या है कि x का मान लेस देन जीरो बनाओ। जैसे x का मान लेस देन जीरो करोगे तो ये वैल्यू आपको माइनस मिलेगी, माइनस, और ये वैल्यू भी माइनस मिलेगी क्योंकि ये लेस देन जीरो कर रहे हैं, तो ये माइनस मिलेगा। तो ये हो जाएगा वन, वन माइनस एक्स, दैट इज क्या आएगा, वन माइनस टू एक्स हो जाएगा। इस बात को बनाना आना चाहिए आपको। अच्छा, अब लो x का मान जीरो से बड़ा लो और वन से छोटा लो। जैसे आप जीरो और वन के बीच में लोगे तो ये मान आपको पॉजिटिव मिलेगा, बट ये मान आपको नेगेटिव मिलेगा, यानी पहला आपको प्लस मिला और दूसरा आपको नेगेटिव, तो कट जाएगा, वन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका वन आएगा। इस बात को बनाना आना चाहिए, सबको आना चाहिए। आप एनडीए जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने जा रहे हो, अगर ये सब नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। ओके, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ मैंने, उस टाइप के क्वेश्चन कर डालना, बुक में खोज खोज के करना आप लोग। ओके, यहाँ करोगे बेटा तो क्या आएगा, ये प्लस का ये आएगा, 2x माइनस का 1 आएगा। क्लियर? अब इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनेगा, जब 0 करोगे तो 1 आएगा, यहाँ 1 होगा, माइनस 1 रखो तो ऊपर आएगा। मतलब इस तरह ग्राफ बन रहा है बेटा, इस तरह से ग्राफ बन रहा है, यानी 0 और 1 पे कॉन्टीन्यूअस दिख रहा है, 0 1 पे कॉन्टीन्यूअस, कहीं है ऐसा? यस, ए आंसर करेक्ट है, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन। ओके, चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स की पावर एक्स दिया हुआ है, आपको डी वाई बाई डी एक्स बताना है, जो कि एक्स का मान आपको वन लेना है। तो देखो क्या होगा, वाई इक्वल टू, इसको लिख लेंगे एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, लिख लेंगे। अच्छा, एक शॉर्टकट भी होता है, अगर अभी कभी भी आपको x की पावर फंक्शन के पावर फंक्शन हो, y को तो एफ एक्स के पावर जी एक्स है। ओके, तो इसका dy वाई बाई डी एक्स क्या होता है, dy वाई बाई डी एक्स होगा एफ एक्स के पावर जी एक्स होगा, जी एक्स अपॉन में एफ एक्स होता है, याद रखना, एफ डैश एक्स होगा प्लस लॉग होगा, एफ एक्स होता है और जी डैश एक्स होता है। ये एक शॉर्टकट होता है, इस शॉर्टकट को यूज करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बट अगर लॉग मेथड से करते हो तो लॉग से भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, यही मेथड यूज कर रहा हूँ ताकि बहुत जल्दी हो जाए। तो ये होगा एफ एक्स के पावर एक्स, एक्स के पावर एक्स स्क्वायर होगा, फिर जी एक्स लोगे तो एक्स स्क्वायर होगा अपॉन में एक्स होगा, प्लस लॉग एक्स होगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। देख लो, विद इन सेकेंड में आपने इसका डी बाई डी एक्स कर लिया। अच्छा, इसका एक मान कट जाएगा, और जैसे x का मान 1 रखोगे तो log 1 0 होता है, इसको 0 बना देगा, बाकी यहाँ रखोगे तो 1 आएगा, इंटू 1 आ गया बेटा, कुल मिलाकर 1 आ गया। हमें आंसर 1 पे लगा के आना था। इस तरह से आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफ एक्स कल टू आपका e टू द पावर मॉड x दिया है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो x अगर लेस देन जीरो होता बेटा तो e के पावर माइनस एक्स आता। अच्छा, x जब हमारा जीरो होगा तो ये वन आएगा, और x का मान जब ग्रेटर देन जीरो होगा, x का मान जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मान बेटा e टू द पावर x आएगा, ठीक है। अब इसको ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ हमने क्या बताया, एक ग्राफ ये e टू द पावर x का ग्राफ होता है इस तरह से, और e टू द पावर माइनस एक्स ग्राफ ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब x का मान लेस देन जीरो है तो माइनस का, लेस देन में माइनस वाला लेना है, तो माइनस वाला समथिंग ये आएगा, माइनस वाला समथिंग ये आएगा, ये वाला, ये वाला, इतना दूर, इतना दूर माइनस वाला है,
ठीक है, ये आपका e टू द पावर माइनस x ग्राफ है। अच्छा, जब ग्रेटर देन लो रहे तो e के पावर x, तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो नोक बन रहा है, नोक बन रहा है ना, तो इसका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। कहीं भी अगर शार्प कॉर्नर बन गया, नोक बना, तो बेटा क्या है कि उस पर dy/dx एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। अच्छा, 23-24 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, साइन एक्स की पावर माइनस का 1/2 दिया, कॉस एक्स की पावर माइनस का 3/2 दिया है, इसको बताना क्या होगा। देखो इसे सॉल्व करते हैं, आई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये होगा इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/ में रूट के अंदर साइन एक्स होगा इंटू, ये हो जाएगा कॉस, यानी 1/ में कॉस एक्स होगा इंटू कॉस एक्स, ये होगा रूट एक्स डी एक्स, ये बताना है। आप क्या करो, यहाँ पर साइन एक्स से क्या करो, कॉस एक्स से डिवाइड कर लो, करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पर क्या करना है, कॉस एक्स से डिवाइड कर, रूट के अंदर डिवाइड करना, रूट के अंदर डिवाइड करना। तो यहाँ डिवाइड करना मतलब यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये हट जाएगा, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट हट जाएगा, इतना क्लियर होगा। अच्छा, अब ये ऊपर चला जाएगा, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा और रूट के अंदर tan x बन जाएगा, dx बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगा। अब क्या, नीचे अगर t स्क्वायर मानोगे तो ऊपर आए, मतलब t मानोगे तो आ जाएगा, यानी लेट कर लो tan x को t मान लो, t स्क्वायर मानो तो बेटर रहेगा, t स्क्वायर मानना, तो ये होगा आपका sec स्क्वायर x dx का मान हो जाएगा 2t dt बन जाएगा, समझे बेटा, यस। अब क्या होगा, ऊपर हो गया 2t dt बनेगा और नीचे बेटा t हो जाएगा, t से t गया 2t बन गया, और t का मान क्या है, रूट के अंदर tan x है, तो बेटा हो जाएगा 2√tan x + c। बी आंसर करेक्ट हो रहा है बेटा, बी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपका इंटीग्रेशन का है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, वो भी गेटेड इंटीजर फंक्शन का है। तो गेटेड इंटीजर फंक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी d/dx करके देता है, कभी इंटीग्रेशन करके देता है, इस बार जो दिया था वो d/dx का दिया हुआ था, ओके। तो यहाँ पर देते हैं क्या आएगा, देखो इसके लिए फॉलो करना, ये चीज़ जो बना रहा हूँ, देखो बेटा ये लिखा हुआ है, तो इसका मान हमेशा याद रखना, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ x निकालो, आप x क्या आएगा, 0 आएगा, रूट ले लो 1 आएगा, रूट 2 आएगा, रूट 3 आएगा और 2 आएगा, जाना कहाँ तक है, रूट 2, मतलब आगे से कोई मतलब नहीं है। तो जब 0 से 1 जाओगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और 1 से रूट 2 जाओगे बेटा तो आपको 1 मिलेगा। तो आपको फाइनली क्या आया, जब 0 से 1 जाओगे तो आपको 0 dx मिलेगा प्लस, और 1 से √2 जाओगे बेटा तो 1 dx मिलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आसान है, इसका x हो जाएगा और ये 1 to √2 हो जाएगा बेटा, जब इंटीग्रेट करोगे तो √2 - 1 हो जाएगा। ओवरऑल क्या आया, ए आंसर आ गया। इस तरह से हमने 25 क्वेश्चनों का आपको कलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको दे दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इस टाइप का आपको शॉर्टकट आना चाहिए। जैसे मैंने आपको फटाफट क्वेश्चन का आंसर दिया है, वैसे आप भी के हर क्वेश्चन का ट्राई करो कि फटाफट क्वेश्चन आना चाहिए, ताकि आपकी स्पीड बढ़े, नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाओ, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, बहुत अच्छे देखना, उस पर एनालिसिस करना, सोचना कि सर ने कैसे कैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये सब करते हुए आप वीडियो को पूरा अच्छे देखना, ओके। तो इस तरह अब जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू बेटा, जय हिंद।